लो भी वीरो स्वागत है जी एक और नवी वीडियो दे नाल। ये वीरो हेलीकॉप्टर जहाज ये रिमोट कंट्रोल है वीरो। ये पेंड है ही सिरगी वाला लाला लाला कोई नहीं आ मगरली थ्री फेस मोटर अपनी जी अपने हाँ इन तीन तरह जानकारी इनवर्टर लगे 200 एम्पीयर का जो डीसी तो एसी बना के दिता है और 18 इंच का प्रोपेलर है 13,000 चक्कर है मोटर का फुल रेस हाथ ना फड़ने फड़ी नहीं आती फट दू गुट फट दी इन्नी जी पावर है टेक ऑफ कर गया यार। लगातार जी कंट्रोलिंग है जी लगातार ही कंट्रोलिंग मैं कर रहा खब्बे सज्जे की तो मैं नेट दी लगाना स्लो करके लिया मोटर बंद करती हमने ग्लाइड पे आ रहे हमने ग्लाइड कर रहे हैं अगले घंटे उतारूंगा लो भी वीरो तुसीं देख सकते बहुत उच्ची उड़दा गई है हुण लैंडिंग अप्रोच जिहड़ी मैं तुहानूं गल दस्सदा ना दूरों आऊगा हौली 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 मैनूं इहदी अलाइनमेंट तूं बिल्ला गलत खड़ा इत्थे उधर एक टेक ऑफ फिर कराऊंगा मैं फिर अंदर बार हां उधर आऊंगा ये ताऊ ने सदा ना सच्ची सच्ची जंदा ना की लैंडिंग अपनी सही हुई है पहली बार लैंडिंग अपनी हार्ड थी जोर दी वजह ना जाए पहली बार जो बता रहे हाँ जो लैंडिंग टेक ऑफ ना जो लैंडिंग है उतारना है वो बहुत जरूरी है सही एंगल पर आवे जो जोर दी वज गया तो टुट जू जिम्मे हो भी गए डेढ़ा फिर तुम सामभ्या भी इतना हाँ हाँ उन्होंने कंट्रोल देना पैदा बहुत स्पीड है यार स्पीड भी काफ़ी है लेकिन 50-60 की स्पीड जो चल रहा है मोटर की पावर हवा देखो इधर बच्चे ला खब्बे सज्जे का कंट्रोल है हम जिम्मे आप रिमोट अपने को फड़िया हर वक्त अपना लैफ्ट वो है अपने वाल भी जहाज आ रहा तो लैफ्ट अपना उही रहना है चाहे अपने वाल आ रहा किधर मर्जी लैफ्ट कमांड दिमाग रखना राइट कमांड है
अप कमांड है जी चढ़ाई वाली आ डाउन कमांड है सर्वो लगी सारिया सीएनसी सर्वो लग सर्वो लगे हुए खरादा च ये सारिया सर्वो मोटर लगे थे ठीक है लो वीरो इहदी आपां इनफॉर्मेशन पूरी देती थानू ते हम दूजा जहाज आपां चढ़ाउण लगे हां दूजे दा रिमोट लग गया यही चल पई यही यही रिमोट और रिसीवर है जेड़े इक ना इन्हां दोनों दा वीरो रिमोट तां इक ही आ ये सुखोई जहाज दी फाइटर दी कॉपी कीती आ भी 22 वोल्ट दी बैटरी है ये शायद छोटी है बैटरी वोल्ट जेड़ी भी 22 है कंट्रोल ले सारे उवें हूँ यदि सैटिंग जी की भी सी सैटिंग ले ली समझ वो सैटिंग सी जहाज की हाँ ये रिसीवर यदा भी मैचिंग रिसीवर यह आई फाइटर सुखोई लड़ाकू जहाज सुखोई जरा बने हुए चाइना के जहाज ये इंडिया को भी है पाकिस्तान को भी है सची ये टारगेटिंग करते आर्मी वाले जहाज ना इदा के टारगेटिंग इन्होंने बंदे आप बना इस वे थोड़ी विजिबिलिटी घट जाती एक्चुअली तो ही थोड़ू काली कर दी ना जी सही पांच बजे आ जाते थोड़ी इस वे फिर जिम्मे जिम्मे नेरा हो जाता दो पास लिया बहुत नीमा करके लिया फिर अगले गेड़े तारूंगा मैं इस पासे रहो मेरे सज्जे हां भाई वीरो अगले गेड़े तारांगे ये जिन्नी रिमोट दी ऊंचा जा सकदे रिमोट उन्ना ज्यादा ओ बेटा तुसी खड़ जाओ इत्थे ही लगदा अपनो खड़ौणे पर जो वजदा ना स्पीड ते स्पीड हुंदी है ना गसी भा आंदा है इत्थे ही खड़ जाओ लैंडिंग हो रही हम दूजे जहाज दी ਬ੍ਰਸ਼ਲੈਸ ਮੋਟਰ ਹੈ ਇਹ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਫਾਰੀ ਮੋੜਦੇ ਇਹਨੂੰ ਹਨਾ ਇਹ ਜੋ ਥੱਲੇ ਰੁੜਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰਲਾ ਟਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਵੋ ਲੱਗਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਦੇਖ ਉਹ ਸਰਵੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੂਹਰੋਂ ਵੀਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੜਨੇ ਆ ਰੈਡਰ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ
फिर ये सीधा जाता है। सीधा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि इधर बच सकता है, इधर बच सकता है। जो टेक ऑफ होने वेले आसे पासे हो गया बज गया टुट जूगा वो, क्योंकि स्पीड भी तकरीबन कोई 50-60 की स्पीड से होकर चढ़ता है। हम मेरे को होर पे जैट जेडे इदू भी फास्ट उड़ते 120 की स्पीड से भी उड़ता एक, वह रनवे उन्होंने थोड़ी है वो इतों स्पीड लगा वो एंड पर जाके टेक ऑफ करता, वो जाता कार भी पिछले छड़ आता इन्हें है जी 130 की स्पीड है वो, और इतने उतरता नहीं। फिर वो एक करी ले लिया पंगा से, फिर बहुत मुश्किल ना तारे उन्होंने दूरों अप्रोच बना के हौली हौली नीवा करके लिया आराम ना तारे स्पीड जाते स्पीड जाते वही वो एक्चुअली जो जहाज का वजन जो बढ़ जाता है हम यहाँ वजन होर किलो वा दिए फिर स्पीड होर चाहिए इन उड्डन प्रैशर जोड़ा वो स्पीड में बनूगा जिन्ना जहाज का वजन हौला होगा उन्ना वो थोड़ी स्पीड से उड्ड पूगा। आ चीज़ है वो जी थ्रस्ट है हवा का प्रैशर है जो थले है वो डायरेक्ट वो संबंधित है वजन के नाल, जो वजन वधाई जाता जिवें वड्डे जहाज आ टेक ऑफ करते जिवें जिवें वजन वधी जाता उन्होंने उमें फिर वध स्पीड से होकर टेक ऑफ करते मोटर वड्डिया हो। हाँ ये असली के भी जो जहाज अपने जो अमरीका कनेडा जहाज जाते हैं एयरलाइनर है उन्होंने भी वजन कैलकुलेट हों कि सवारियां कि कारगो है टैची का वजन हूँ कदों करते हरेक का करते जो वजन है वो तो है हरेक सवारी का उन्ना वजन उन्होंने मिनती गिनती जाना फिर ये बैलेंस हों सी जी कहने सेंटर ऑफ ग्रैविटी एक होंगी है वो हरेक जोड़ा विंग है यदि मतलब जी एक फ्लाइंग सेंटर होंगे एक जिथे ने सब तो वह जी फ्लाइंग का तुम्हें लिफ्ट देनी एक सेंटर होंगे खंभ का जिमें इस डिजाइन के सेंटर इतने है तकरीबन आ थान आ मोरिया क्ढ़िया होंगे ठीक है जी आ सेंटर है मतलब जहाज बैटरी पा के इतने तकड़ी जो तुलूगा सही तो फिर उड़ूगा जे यदी टेल भारी होगी फिर उड्डन सारे ए होजू जे यदि नोज़ भारी होगी फिर इन्हें उड्डना ही नहीं गा वार बार थले डिगू अं जो एयरलाइनर के सवार जो चढ़दियाँ हैं बोर्डिंग पास वो देंगे है वो पूरा कैलकुलेट होंगे कैलकुलेटर कर दे। हाँ भी कि जहाज है यदी सी जी कितने है कि समान मूहे लोड होना किन्ने पसेंजर मूहे बैठ रहे किन्ने मगर थोड़ा मतलब लैवल रहना चाहिए बिल्कुल ग्रैविटी है वो जरूरी है जरूरी है जहाज के क्योंकि जिन्ना चिर तकड़ी तुलता नहीं एक पो एक ये पॉइंट है जिथे सारे जहाज में हवा ने चक देना लिफ्ट कर देनी है कॉमन एक पॉइंट होता जवाक जो साइंस पढ़ते हैं एक प्रैक्टिकल होंगे फिजिक्स के एक अपन अणघटते गत्ता दे देंगे वो गत्ते का कहते सेंटर ऑफ ग्रैविटी कड़ो उत्थे उंगल ला के चक दोगे गत्ता उत्ते तुल जूगा जमा वो पॉइंट क्ढना होंगे वह ये उमें एक सेंटर ऑफ ग्रैविटी के सारे जहाज का एक पॉइंट निकलता है जिथे सारे जहाज का जो वजन तकड़ी तुलता है पर वो वजन जोड़ा तुलता है उधरों जो खंभ का फ्लाइंग कोफिशेंट एरिया मिलना जरूरी है वजन उत्थे इकट्ठा हो जाए सारा वो फ्लाइंग की जी वो प्रॉपर लिफ्ट है वो इकट्ठी हो जाए उत्थे ते फिर उड़दा मेन ये तकनीक है। फिर मोटर का काम रहने ता हां फिर मोटर ने फिर धक्का मारना ही मारना तो कंट्रोल है ना हो जाए किन्ने तैयार होने ये अलग अलग है भाई जिवें आ वाले जहाज आए हुण रिमोट बैटरी सारा पा के कोई 55-60 हज़ार रुपया लग जाता है जोड़ा वो व्डा जहाज है वो 80-90 हज़ार तक पहुँच जाता ये थोड़े जो कॉलेज स्कूलों के जमे सेम कि आम हो नहीं जी ये तो कला 65 हज़ार का मैं उसे कहना ये तो बंद हो गया जे आर कंपनी जापान की सी जापान रेडियो ये बंद हो गई ये अमरीका की किसी कंपनी ने खरीद ली उन्होंने रो रेट 2-3 गुणे वधाता यदा ये रिमोट बहुत चंगे मिल जाते इंडिया चो फटाबा कंपनी एक एक स्पैक्ट्रम कंपनी है अमेरिका की वो मिल जाते हैं चाइना के बथेरे मिल जाते हैं जे कोई शुरुआत मतलब बच्चा कोई सीखना चाहता है वो ये जहाज नहीं ग्लाइडर जहाज है तुम दिखाने आप चलते उ ठीक वो ग्लाइडर कैटागरी के जहाज है वो बड़े सौखे होंगे है वो तुम एक बार उपर लै गए मोटर भी बंद कर दो आराम ना घूमी जाता हौली हौली कुर्सी डह के बह जाओ भावें अच्छा जी हाँ अद्धा अद्धा घंटा उड्डी जाता वो तो प्रैक्टिस शुरू होंगी पहला फिर ये जहाज है ये उड़ाना औखा है एरोबैटिक कैटागरी का ये ग्लाइड है नहीं गी क्योंकि जो खंभ है वो फ्लैट है जो ये जो तुम समझाया वो चीज़ है नहीं वो है नहीं जिन्ना चेर मोटर धक्का मारूगी उन्ना चेर ही उड्डा जो मोटर मगरली खड़ गई बस फिर तुम्हें किमें ना किमें मैनेज करके थोड़ू थले लिया पऊ चाहे वाहन से तारो चाहे कितने तारो चाहे खड़ी फसल से तारना पवे फिर यह जवाब हो जाता है दुए जो मोटर बंद होगी कंट्रोल हाँ क्योंकि ग्लाइड है नहीं ना तरदा नहीं हवा चीज वो जो डिजाइन है वो हवा च तरद है जिम्मे पानी से चीज तरती है ये फाइटर जहाज है कोई भी तरद नहीं होंगे हवा चीज तेज भी ता ही उड़ते हैं फर भी फ्लैट ही हाँ यहाँ फर फ्लैट होंगे फाइटर जहाज है जिन्हें उन्होंने फर जो फ्लैट होंगे वो फिर 1000 की स्पीड भी क्रॉस कर जाते जो असल फाइटर है
ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਜਿਹਾ ਫੋੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੋਨਿਕ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਧੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਂਪਲੀਚਿਊਡ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਏਸੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਇੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬੜੁਮ ਫਟਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨਿਕ ਬੰਬ ਦੇਖੋ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫਟਦਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਜਹਾਜ਼ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ 330 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਤਲਬ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਲਮੋਸਟ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਦੂਗੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹ 3 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਜੂਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਫਾਈਟਰ ਆ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਰਾਜਵੀਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰ ਕੱਢ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਡਾ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰ ਜੂਗਾ ਇਹਦੀ ਬੈਟਰੀ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੀ ਬੈਟਰੀ 20 ਮਿੰਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਤੇ ਆ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਈਡਰ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਂਜ ਕਿੰਨੀ ਰੇਂਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਿਮੋਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰੇਂਜ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ 4 ਸਪੀਡ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੱਠਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਜੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਏ ਵੀ ਖੱਬੇ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜੇ ਸੀ ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਜਟਕਾ ਹਿਸਾਬ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਤੇ ਉੱਡੂਗਾ ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਬੱਦਲ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੀ ਠੀਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਝਾਕੋਗੇ ਆਪਣਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪਰਚਰ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿਸੂਗਾ ਤਾਂ ਅੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੂਗੀ ਨਾ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਓਪਨ ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ GPS ਨੇਬਲਡ ਆ ਉਹ GPS ਮੋਡ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀਆਂ DGCA ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 400 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਆਰਮੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੋਈ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਾਂ ਜੋ ਭਗਤੇ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਉਡਾਉਣ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਹੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਲਾਇੰਗ ਜ਼ੋਨ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਏ ਯੈਲੋ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ਹੋ ਗਏ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਰਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਭਿੱਸੀ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਏਅਰਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਭਿੱਸੀ ਜਾਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਉਡਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਠੋਕਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੀਕਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਇੱਥੇ ਜੀ ਮੇਰੀ GNA ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕੈਪਟਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ